हाय गाइस, सो आज है 22 जनवरी और सैटरडे। आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि आनी के पापा हमारे साथ हैं। आनी के पापा से हेलो टू द व्यूअर्स। हेलो। आनी के पापा क्या खा रहे हैं? सो अभी बिल्कुल हम खा रहे हैं एग ऑमलेट। बेसिकली आनी के पापा ने बनाया, बहुत यम बनाते हैं ये, बहुत टेस्टी बनाते हैं। इधर हमारी आनी भी क्या कर रही है? लेटी लेटी कर लिया। आने भी कह रही है, मम्मा कहाँ कर रहे हो आप? क्यों कैमरा उठा लिया फिर से? क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ, क्या कर रही है मम्मा? बताओ, सबको बताओ। दिन की शुरुआत हो गई है। इतना ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, मॉर्निंग में बारिश भी हुई है और ठंड भी हो रही है, मौसम भी अच्छा सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब अंदर बैठे हुए हैं तो सच में अच्छा लग रहा है, बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ठंडा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग करते हैं और जो भी करते हैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। तो यहाँ हमारी चाप बन चुकी है और देखने में तो अच्छी लग रही है। अब देखते हैं खाके कैसी लगती है सबको। यहाँ मेरा चाप बन चुका है और मम्मी मुझे बताएगी कैसा बना है ना मम्मा? हाँ, देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खा के पता चलेगा। अच्छा ही बनाया होगा मम्मा, आप थोड़ी सी तारीफ कर देना। चलो झूठी तारीफ ही लेंगे, बट अभी जब सब लोग लंच करेंगे उसके बाद मैं सबसे फीडबैक लूंगी कि कैसा बना है। तो अभी हम लोग लंच करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर उसके बाद। देव जी कैसी बनी है? बहुत सच्ची बढ़िया। सच्ची बताओ, पेड प्रमोशन नहीं है तो सच बताना सबको। अच्छी है, अच्छी है। पक्का? ये पास हो गई मैं, ये।
सो मम्मी उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जब आप खा रहे थे, अभी आप मुझे बताओ कि मेरी चाप आपको कैसी लगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। सच्ची? झूठी तो नहीं? सच्ची। ये पास हो गई? ये कहाँ कर ले सोना, कहाँ कर ले, कहाँ खा रहे? कोई चिज्जी है ये? कोई चिज्जी है नूना? पित्ती कर ले पापा, पापा पित्ती कर ले। आनी आनी नोना, ओए नोना स्माइल तो दे दे, छोटी सी छोटी सी स्माइल तो दे दे। आनी आनी छोटी सी स्माइल दे दे प्लीज नोना। आनी नोना छोटी सी स्माइल दे दे मम्मा को। आनी क्या चाहिए आपको, क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से? हाँ दो दो टॉयज तो हैं आपके पास, खेली खेली करो उनसे। सो गाइज, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोग के लिए एक हॉल शेयर करूंगी, मिंत्रा हॉल। दो ड्रेसेस हैं आनी की जो मेरी और काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे काफ़ी लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि आनी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है और प्लस उसका फैब्रिक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँ। वो ड्रेसेस मिंत्रा से ऑर्डर की गई है, अभी मैं आगे इस वीडियो में आपको अटैच कर दूंगी क्या प्राइस है, कहाँ से ऑर्डर किया है, किस ब्रांड की है और आनी भी जब उसको पहनती है तो वो कैसी लगती है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। दोनों ही ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं, वुलन में हैं, एक स्वेटशर्ट टाइप में है, स्वेटशर्ट मटेरियल है उसका। प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, मैं आप लोग समझ सकते हैं मैं एक बच्चे की एक बेटी की मम्मी हूँ और वो साथ ही रहेगी ऑब्वियसली मेरे, तो थोड़ा सा उसकी आवाज़ आती है जब वो खेलने के मूड में होती है और वही टाइम होता है कभी कभार कि मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है और मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिए। बाकी अब बैक टू द रिव्यू ऑफ दैट ड्रेसेस। तो दोनों ड्रेसेस ही बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है, दोनों मिंत्रा से ऑर्डर की हुई हैं और प्राइस रेंज भी आई थिंक उनके मैं आगे स्क्रीन में अटैच कर दूंगी, वैसे 1000 की रेंज में है दोनों ड्रेसेस ही और बिल्कुल वर्दी हैं, अपने प्राइस को पूरा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं दोनों ड्रेसेस और बहुत सुंदर लगती हैं आनी जब ड्रेस करती है उन ड्रेसेस को। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, जैसा बेबी के हिसाब से होना चाहिए, छोटे बच्चों के हिसाब से होना चाहिए वुलन में, वैसे ही सॉफ्ट वुलन टाइप में मटेरियल है, एक थोड़ा सा वुलन है और एक स्वेटशर्ट टाइप में मटेरियल है जैसे मैं बता रही थी आप लोग को। अभी मैं आगे स्क्रीन में अटैच कर दूंगी पिक्चर्स, तो आप देखिए और मैं कहूँगी आप ऑर्डर भी करके देखिए, काफ़ी अच्छा है वो प्रोडक्ट और आई थिंक आप लोग को भी अच्छा लगेगा। कनिका को सुला रही है, अरे नहीं मतलब कनिका आनी को सुला रही है क्योंकि उसका सोने का टाइम हो चुका है, तो आनी अब सोने के मूड में है। तो हम वीडियो को करते हैं अब एंड, तो मम्मी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय गाइस।